हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ईशियस नया ब्लॉग। तो होप करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने काफ़ी दिन बाद आज ब्लॉग बना रही हूँ, इसीलिए ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि जबलपुर में शादी पड़ गई थी और काफ़ी सारे मेहमान आ गए थे और ईशा और मेरी तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी। अभी ठीक हुई है, अभी कल परसों से ठीक हुई है। बाकी उसके पहले से ही हमारी तबीयत ख़राब ही रहती है आजकल। तो मैंने शादी में कुछ वीडियो ली हूँ, पहले वो आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ईशा और मैंने ये डांस किया था संगीत में। मैं ये गाना इस वजह से नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारे काफ़ी सारे ब्लॉग में कॉपीराइट क्लेम पड़ चुका है। मैं नहीं चाहती ये ब्लॉग में भी कॉपीराइट क्लेम पड़े इस वजह से। और मैं ये वाली जो वीडियो है मैं इंस्टाग्राम में डाल दूँगी, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। आज है शादी का सेकेंड डे और ऐसे भी नागपुर के लोग आ चुके हैं और यहाँ बैठे हुए हैं और हम शादी वाले घर में आ गए हैं। अपराज मैडम को बहुत हंसी आ रही है। फ्रेंड्स, रिसेप्शन में भी डीजे वगैरह लगे हुए थे और हम लोग को रिसेप्शन में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और रिसेप्शन में मैंने कुछ ऐसा कुछ पहना था और हल्दी में मैंने कुछ ऐसा पहना था। और मेहंदी का आपने देख लिया, फिर भी आप देख लीजिए, ऐसा कुछ पहना था मैंने मेहंदी में, बारात में ये पहना था। फ्रेंड्स, ये ब्लॉग यहीं एंड करना चाहूँगी। ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब ये हमारे ब्लॉग आते ही रहेंगे, इतना गैप नहीं होगा। कहाँ जाना है, कहाँ जाना बताइए। आप कहाँ जा रहे हैं मैडम? कहाँ जा रहे हैं मैडम? मैडम मैडम जी, अरे मैडम मैडम मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम, अरे मैडम जी, आपको कहाँ जाना, आपको कहाँ जाना, कहाँ है आपको? मैडम जी कहाँ जाना है आपको? सर जी बताइए, आप तो बड़ा। ओ मैडम, कहाँ जा रही है आप? मैडम कहाँ जा रही है आप? जा रहे हैं घर। मैडम कहाँ जाना है मैडम आपको? मैडम जाना कहाँ है आपको? शादी वाले घर। मैडम आप कहाँ जा रही हैं मैडम? मैडम आप कहाँ जा रहे हो? मैडम आप तो बड़े अच्छे दिख रहे हो यार मैडम।